मेरे खुद के एक्सपीरियंस में सर एक ट्रांजिशन एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे कि जिस जिस पीढ़ी में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद। और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था, हमारा एक रूटीन बन चुका था, वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे छूट जा रहे थे। हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी, आपने भी बात करी, मिलिंद जी ने भी पहले बताया, एक जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर। तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। तो इसके फायदे जो हैं नहीं, सर सबसे वो पहले आपको ये जो नया मंत्र जगा तो दिल्ली के छोले भटूरे को ही बहुत दुखता हुआ होगा। बहुत ज्यादा सर, मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारा जो नेटिव डाइट है, एक जिस रीजन से हम आते हैं उसका जो हम वो खाते हैं, उससे कभी मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि हेल्थ इश्यूज हुए हो या किसी को कोई बीमारियों का सामना करना पड़ा हो। मेरी खुद के एक्सपीरियंस में मेरी नानी मैंने बहुत समय तक देखा, इतनी ज्यादा उम्र में भी उनकी हेल्थ हमेशा ठीक रही, हमेशा उन्होंने घर का सिंपल खाना खाया। तो मैं जब पला बड़ा तो शहरी खाना, मतलब बहुत ज्यादा बाहर का खाना होता था, खेलने कूदने जाते थे तो आते जाते बहुत सारी चीजें ऐसी खा ली कि जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। तो डाइट का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था जो डिसिप्लिन नहीं था। तो वो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और डाइट दोनों चेंज करना पड़ा सर, उसकी वजह से ही चेंजेस आने शुरू हुए। और मैं इस चीज से इसलिए रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि जैसे हमारे खेल में चेंजेस आए, आज की लाइफ की भी डिमांड्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, बहुत हेक्टिक हो गई लाइफ। तो अगर हम अपनी फिटनेस को उस पेस के साथ नहीं रखेंगे, सिंक में नहीं रखेंगे, तो हम पीछे छूटते चले जाएंगे। तो अगर हम लोग अपनी फिटनेस को नहीं इंप्रूव करते तो हमारे खेल में भी आज हम बहुत पीछे छूटते चले जाते, क्योंकि आप सिर्फ अपनी स्किल पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो आपका शरीर कितना तंदुरुस्त है और आपका दिमाग कितना तंदुरुस्त है, उस दोनों का एक कॉम्बिनेशन साथ में चलता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।